क्या नोएडा में ओला उबर रैपिडो चला सकते हैं? इसका जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल नोएडा वाला राइडर में। रियली सॉरी, इस बार काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना पा रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ फैमिली के भी इशूज़ थे, मैं कुछ दिन के लिए अपने होम टाउन भी चला गया था और उसके बाद आया, फिर थोड़ा घर शिफ्टिंग का भी था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और उन सबसे निकलने के बाद आज फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ अपनी जर्नी को। टाइम हो रहा है 11:30 और हमें आज की पहली राइड ऊबर पे आ चुकी है और हम जा रहे हैं अपनी पिकअप लोकेशन पे आज की फर्स्ट राइड की। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए पूछने को लेके कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, कोई इश्यूज तो नहीं है? मैंने बताया कि वीडियो बनेगी, फिर से स्टार्ट करेंगे जर्नी को, पर कब करेंगे ये नहीं पता था। मैंने 2 दिन पहले एक अपडेट भी डाला था यूट्यूब पे कि अब वीडियो आने वाली है पहली, और आज मैं आ गया हूँ अपनी आज की पहली वीडियो को लेके। वीडियो ना डालने के बावजूद भी आप लोगों को इतना सपोर्ट आ रहा था, इतने कमेंट्स आ रहे थे, मैं इस चीज़ को शब्द में बयान नहीं कर सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना अंदर से कितना खुश हूँ कि मेरे साथ इतने सारे लोग खड़े हुए थे मेरी दिक्कत परेशानी में। आप लोगों का रेगुलर कमेंट्स आते रहे, पूछते रहे, हालचाल लेते रहे। अपनी आज की पहली पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। हेलो, तो सर का मैसेज आ गया, लिफ्ट में है वो, चलिए 2 मिनट वेट करते हैं। उसी के साथ आज की पहली राइड कंप्लीट और फर्स्ट राइड में हमको मिले हैं 14.4 किलोमीटर की राइड थी। दोस्तों एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दिल्ली NCR में बैन नहीं है, दिल्ली में बैन है। उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत सपोर्टिव है। मैं आज काफ़ी दिनों के बाद जैसे मैंने आपको बताया मैं आज राइड पर निकला था, बहुत सारी जगहों पर चेकिंग चल रही है आज, मुझे बहुत सारे चेक पॉइंट अभी मिले थे, वीडियो में तो शूट नहीं कर पाया, लेकिन कई जगहों पे आज चेकिंग चल रही है, तो बट वहाँ पर उन्होंने कोई भी इशू क्रिएट नहीं किया। उत्तर प्रदेश की पुलिस इस चीज़ें बहुत सपोर्टिव है, कोई इशू नहीं है। अगर आप नोएडा में गाज़ियाबाद में राइडिंग करना चाहते हैं, बाइक टैक्सी चलाना चाहते हैं, चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दिल्ली में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो दिल्ली को भी अवॉइड कीजिए और नोएडा गाज़ियाबाद आराम से आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत। दोस्तों हमारे पास एक राइड और आई है, गाज़ियाबाद की है, चलिए एक्सेप्ट करते हैं। छोटी सी राइड है मेरे हिसाब से, 3-4 किलोमीटर की, चलिए सर को पिक करते हैं। आपके अच्छा OTP देना 4834। हाँ, रिकॉर्डिंग है, एक्चुअली मैं व्लॉग अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, जो राइड करता हूँ ना उसका व्लॉग अपलोड करता हूँ इवनिंग में, तो उसी की रिकॉर्डिंग है। कस्टमर एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बड़ा कम लोगों ने अभी तक राइड किया हुआ है। EV पे कोई राइड करता है उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस वो सब व्लॉग में डालता हूँ। तो इसी के साथ आज की सेकंड राइड भी कंप्लीट हो गई, इसमें हमको मिले हैं 20 रुपये, छोटी सी राइड थी लगभग 3 किलोमीटर की, तो अभी तक हमने 2 राइड कंप्लीट करी हैं। 11:30 पे शुरू हुआ था, 12:30 ना, 1 घंटा हो गया। मैं आपको 1 घंटे का सर नहीं बता देता हूँ, तो 1 घंटे में अभी तक हमने स्कूटी चलाई है 17 किलोमीटर और ऑन किए हमने 104 रुपये, 2 राइड कंप्लीट करी हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट राइड कितनी देर में आती है हमारे पास। ये हमारे पास दोस्तों ऊबर के ऊपर, दोस्तों टाइम हो रहा है 2:31, हमने 11:30 बजे आज राइडिंग स्टार्ट करी थी, 3 घंटे हो गए। किलोमीटर की बात करूं टोटल अभी तक हमने चला लिए हैं 36 किलोमीटर, जिसमें 4 राइड हमें मिली हैं ऊबर पे, 1 राइड मिली है रैपिडो पे और 1 ऑफलाइन राइड थी।
ऊबर पे हमने कमाए 164 रुपये, रैपिडो पे 22 रुपये, और 60 रुपये की हमारे पास एक राइड थी जो ऑफलाइन की थी। तो टोटल अर्निंग की बात करूँ लगभग 250 रुपये हमने अर्न करे आज 3 घंटे चला के। दिल्ली के लोगों को तो अब दोगुना और चौगुना पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि उनको कार या तो कैब बुक करेंगे या ऑटो बुक करेंगे। और जितनी स्पीड थी इतना जल्दी वो लोग अभी तक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते थे बाइक करके, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है, सोच विचार कर रही है, शायद बहुत जल्दी गवर्नमेंट कोई अच्छी चीज़ लेके आए हम भाई लोगों के लिए, राइडर्स के लिए। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसा आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, आप उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे ऐसा ही प्यार करेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, प्रेस दी बेल आइकन। एज आई ऑलवेज सेड, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।